शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज। बात करेंगे रेवाड़ी की बड़ी खबरों के बारे में, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए रेवाड़ी के सभी लोग ये वीडियो जरूर देखें। शिवरात्रि पर पहली बार ऐसा हुआ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं, रेवाड़ी के लोगों ने किया कमाल। आपको पूरी खबर बताता हूँ, फोटो भी दिखाऊंगा। देखिए देखिए आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि शिवरात्रि के दिन सभी लोग मंदिर में जाते हैं और जो भी शिव भगवान है और उन पर पानी का जलाभिषेक वगैरह सारे काम करते हैं। लेकिन अब की बार देखिए क्या देखने को मिले। लोगों ने अपने घर के मंदिर में तो लोग गए थे, हम भी गए थे, आप लोग भी गए होंगे, लेकिन अब की बार लोगों ने शिवलिंग घर पर बनाया है। आपको बता देता हूँ, पार्थिव शिवलिंग है वो घर पर बनाए लोगों ने। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप फोटो के अंदर देख सकते हैं पार्थिव शिवलिंग जो लोगों ने खुद घर पे बनाए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। लोगों ने देखिए मिट्टी के खुद लोगों ने अपने घर पे बनाए हैं, काफ़ी हमारे पास लोगों ने भेजे थे और हमने भी बनाया था। और देखिए सिर्फ रेवाड़ी की नहीं, केरला से भी हमारे पास ये फोटोज़ आई हैं, जो कि देखिए घर पर ही शिवलिंग बनाया हुआ है। इसके बाद पूरा अच्छी तरीके से पूजा की गई है। देखिए किस लोगों ने सफ़ेद, लाल, काले रंग के कई तरीके की शिवलिंग यहाँ पर बनाए हैं और इनकी इसके बाद पूजा की है पूरे अच्छी तरीके से। आपको बता देता हूँ, हर साल लोग मंदिर में जाते हैं और देखिए मंदिर में भी अब की बार लोग गए और अब की बार लोगों ने अपने घर पर भी शिवलिंग बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है शिवलिंग, ये लोगों ने घर पर बनाया। और आपको बता देता हूँ कि आप लोग भी आसानी से अपने घर पर शिवलिंग बना सकते हैं। मिट्टी का ये शिवलिंग बनाया गया है शिवलिंग, और इसके बाद इसका जो कलर है वो चंदन से किया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पीला चंदन भी आता है, सफ़ेद चंदन भी आता है और लाल चंदन भी आता है, तो उससे आप इसको और मतलब लगा सकते हैं। देखिए ये एक अच्छी खबर है कि लोग घर पे भी अब शिवलिंग बनाने लगे हैं। अच्छी बात है, भगवान के प्रति लोगों की हम कह सकते हैं और लोग भगवान की तरफ बढ़े, तो इसलिए लोगों ने शिवलिंग बनाई। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर आपको बता देता हूँ रेवाड़ी की। मैं दूसरी बड़ी खबर है, रेवाड़ी में एक युवक की हुई मौत। देखिए दूसरी खबर जो हमारे पास वो आई है कि रेवाड़ी के अंदर एक व्यक्ति की मौत हो गई है, और वो देखिए नौकरी की तलाश के अंदर बावल आया था। पूरी खबर ये है कि दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर रुद्र पुल है, उसके निकट एक कार ने टक्कर मार दी एक स्कूटी सवार को, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्षीय थी, और उस युवक की मौत हो गई, जबकि उसके जो पीछे बैठा एक युवक था वो घायल हो गया। मृतक युवक अलवर जिला के गांव रायपुर मेवान निवासी था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आपको ये भी बता देता हूँ, जो पुलिस में शिकायत दी गई उसमें उस व्यक्ति ने बताया जो उसके पीछे बैठा था कि वो दो दिन पहले ही नौकरी की तलाश में वह उसके पास आया था, और सोमवार को जिला अलवर के गाँव रायपुर मेवान निवास अजीत सिंह के साथ बावल IMT स्थित एक कंपनी में नौकरी की तलाश में ठेकेदार के पास गए थे। अजीत सिंह भी फिलहाल बावल में रहता है, और आपको बता देता हूँ ठेकेदार से मिलने के बाद जब दोनों रुद्र पुल के पास बावल जा रहे थे, तभी अजीत की स्कूटी को एक कार चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद दोनों सड़क किनारे गिर गए और इसमें अजीत सिंह की मौत हो गई। इसी बीच वहाँ पर जो आसपास लोग थे उन्होंने युवक को संभाला, तत्काल एम्बुलेंस की मदद से बावल अस्पताल में पहुँचाया। यहाँ से चिकित्सकों ने उसे रेवाड़ी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया और उपचार के दौरान अजीत की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया और परिजनों को सौंप दिया। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है, कब पुलिस उस व्यक्ति को ढूंढ लेती है जिसने इनको टक्कर मारी है। इसके बाद तीसरी बड़ी खबर आपको बताई, तो तीसरी बड़ी खबर है कि सड़क पर पानी छोड़ना अब एक तरीके से गुना, और सड़क पर पानी नहीं छोड़ने को DC ने कहा। आपको बता देता हूँ, DC ने आदेश दिए थे कि जल भराव के चलते एक तो शहर में पहले ही बहुत बदहाली है रोड की, और इसके चलते अगर कोई भी लोग अपने घरों में से बिना बात सड़कों पर अगर पानी छोड़ दें तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दो। इसके चलते सेक्टर 3 व सेक्टर 4 पर जिन भी लोगों ने घर का जो खुला पानी है वो बाहर छोड़ रखा था, नगर परिषद की टीम ने 6 चालान काटे। मतलब अगर आप बिना बात अपने घर के बाहर जो सड़क उस पर पानी छोड़ोगे या ज़्यादा पानी वेस्ट करोगे तो आपके चालान कट जाएंगे। 6 चालान कटते हुए चेतावनी भी दी गई है। और आपको ये भी बता देता हूँ कि सेक्टरवासी है वो काफ़ी घर का पानी बाहर छोड़ते हैं, इसके चलते ये कार्रवाई की गई है। DC के आदेश के द्वारा सेक्टर 3 और सेक्टर 4 में ये जो भी हम कह सकते चालान काटे गए, तो आप लोग भी संभल कर रहिए और ऐसा गलत काम मत कीजिए देखिए, क्योंकि पानी की वेस्टिंग तो वैसे ही गलत चीज़ है।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जरूर कर लीजिए। रेवाड़ी की जितनी भी बड़ी खबरें हैं जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा हमारी हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सिक्सा, धन्यवाद।